नमस्कार एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रमल ज्योति सचार के तारा कृष्णा शर्मा। आप सबका स्वागत करते हुए आज के दिन के बारे में बताना चाहेंगे। आज है गुरुवार का दिन और तारीख की अगर हम बात करते हैं तो आज है 5 तारीख और साथ ही चंद्रमा मीन राशि में है। और शुभ समय की अगर हम बात करते हैं तो प्रातःकालीन 6 बजे से लेके 6:55 तक का रहेगा। दान पुण्य का कुछ भी सामान निकालना चाहते हैं निकालिए, मगर हम आज आपको भाग्य के पासे के द्वारा बताएंगे आज क्या कहता है भाग्य के पास आपके लिए। साथ ही ये भी बताएंगे जो उपाय है वशीकरण करने का, आज जो है एक खास तिलक बताएंगे कैसे बनाया जाए और उसको बनाइए मस्तक पे लगाइए फिर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आप भाग्य के पास आपके लिए क्या कहता है मेष राशि वालों, भाग्य के पास आपके लिए कहता है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, 6 नंबर। मेष राशि वालों आज ये बता दें आज का दिन बहुत ज़्यादा उत्तम इसलिए है कि आज कहीं से आपका पैसा आय वृद्धि के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, पैसा बढ़ने के दिखाई दे रहा है कि आज पैसा भी बढ़ेगा। साथ ही आज का व्यापार भी आपका बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। जीवन साथी के साथ में आज आपका समय भी बहुत ज़्यादा उत्तम बीतेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि वालों, भाग्य का पासा आपके लिए कहता है नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4। काउंट करते हैं तो 10 को 1 नंबर ये बताता है वृषभ राशि वालों की आज हो सकता है अचानक कोई ऐसा खास व्यक्ति आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य कर दे। इसके साथ ही यहाँ पर बता दें घर परिवार में आज कोई एक विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मददगार बन सकता है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों, भाग्य का पासे का नंबर आपके लिए कहता है नंबर 4, नंबर 4, नंबर 3। काउंट करते हैं 11 को तो 2 नंबर ये बताता है मिथुन राशि वालों कि आज हो सकता है अचानक कोई ऐसा यात्रा का योग बन जाए। साथ ही यहाँ पर पुरानी बातों को लेकर हो सकता है घर में कोई बहस हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, जिसकी वजह से अपने आप ही आप अपनी प्रॉब्लम को खड़ा कर लेंगे जिस और परेशान हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों, भाग्य के पास एक नंबर आपके लिए कहता है नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2, 7 नंबर ये बताता है आज हो सकता है आपका स्वास्थ्य खराब हो। इसके साथ ये भी दिखाई दे रहा है आज किसी की बातों को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव होने के कारण हो सकता है स्वास्थ्य भी आपका ठीक ना है, और आपका स्वास्थ्य जब खराब रहेगा तो दिल भी आपका चिड़चिड़ा रहेगा। तो आज अपने मन को खुश रखिए, अपने मित्रों के साथ में घूमने फिरने की अगर योजना बनाने जा रहे हों तो ज़रूर आज घूमने फिरने जाइए। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि हमारी सिंह। सिंह राशि वालों, भाग्य के पास एक नंबर आपके लिए कहता है नंबर 3, नंबर 1, नंबर 1, 5 नंबर। सिंह राशि वालों यहाँ बता दें 5 नंबर ये बताता है कि आज हो सकता है कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई काम हो या कहीं जॉब वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया हो तो आज इंटरव्यू वगैरह के लिए अगर जाना चाहते हैं वहाँ पर आपकी बातों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बातों से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने के साथ साथ ये भी है कि आज आपका कोई कार्य बन भी जाएगा, और इसके लिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी बता दें गणेश जी की पूजा आराधना करके जाएंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, भाग्य के पासे का नंबर आपके लिए कहता है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 4। काउंट करते हैं 10 को तो 1 नंबर ये बताता है कन्या राशि वालों आज कहीं भी किसी को उधारी ना दें अन्यथा पैसा वापस नहीं आएगा। इसके साथ ही यहाँ पर बता दें कि आज जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज सफलता का दिन है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि तुला। तुला राशि वालों, भाग्य के पासे का नंबर आपके लिए कहता है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1। काउंट करते हैं 7 नंबर तुला राशि वालों तो 7 नंबर ये बताता है संतान पक्ष की तरफ से आज थोड़ा सा दुखी रहेंगे। हो सकता है संतान की तरफ जो है आपका जो व्यवहार है वो संतान के व्यवहार और आपके व्यवहार में थोड़ा सा वाद विवाद हो जाए, जिसकी वजह से आज जो है थोड़ा परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य भी आपका यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, भाग्य के पासे का नंबर कहता है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। काउंट करा तो 2 नंबर ये बताता है वृश्चिक राशि वालों कि अचानक कोई रुका हुआ धन तो प्राप्त होगा, मगर इसके साथ ही आज आपके विद्रोही शत्रु आज आपके ऊपर हावी भी रहेंगे। हो सकता है आज आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी तरीके से कोशिश भी करें तो अपना ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं अगली राशि धनु। धनु राशि वालों, भाग्य के पास का नंबर ये कहता है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 3, 7 नंबर। 7 नंबर ये बताता है कि आज कहीं यात्रा का तो योग बनता नजर आ ही रहा है। साथ ही जो है माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, अपने व्यवहार पर
थोड़ा नियंत्रण रखना है, किसी से भी बात करते हैं तो बहुत ही अच्छे से शांति से मीठे शब्द का उपयोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर भी रहेगा। हम बात करते हैं मकर। मकर राशि वालों, भाग्य के पास अगर नंबर आपके लिए कहता है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 काउंट करते हैं तो 2 नंबर ये बताता है मकर राशि वालों, अचानक कोई हानि हो सकती है जिसकी वजह से आज आप बहुत ज़्यादा चिंता में, कहीं आपका पैसा डूब सकता है, तो कहीं भी अगर पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ के लगाइएगा। इसके साथ ही यहाँ बता दें, आज किसी को अपनी बात शेयर भी मत करिएगा। कोई महत्वपूर्ण योजना जो आपके व्यापार की, जो काम की है, वो किसी, चाहे वो आपका मित्र ही क्यों ना हो, उसको मत बताइए। हो सकता है आपका काम बनते बनते रुक जाए, मगर नुकसान जो दिखाई दे रहा है वो ये बताता है आज आपको थोड़ा चिंता में डाल सकता है। हम बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, भाग्य के पास एक नंबर बताता है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 4 काउंट करते हैं 10 तो 1 नंबर ये बताता है कुंभ राशि वालों, आज अचानक जो है कहीं से पैसे का आगमन हो सकता है। पैसा आएगा मगर चला जाएगा, आया गया ऐसा धन का रहेगा, क्योंकि आज जो है खर्च भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो है मेहमानों की भी आवागमन घर में लगा रहेगा। हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, भाग्य के पास अगर नंबर कहता है नंबर 3, नंबर 1, नंबर 1, 5 नंबर ये बताता है मीन राशि वालों, आज आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है। किसी महिला का योगदान सहयोग आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम होने के साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, आज अपना विशेष ख्याल रखें, खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सा संयम बरतें। ये था 12 राशियों के अनुसार हमने जो बताया कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। आप खास उपाय चाहते हैं कि ऐसा तिलक तो सभी लगाते हैं, मगर तिलक अगर जिसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाए, जिसे हम वशीकरण भी कहें, वशीकरण का मतलब ये होता है कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और किस चीज़ का लगाना है, वो बता देते हैं। गुरुवार का दिन है और आज चंद्रमा मीन राशि में है, तो आज के दिन क्या करना है, आप पुष्य नक्षत्र, अगर आज भी कर लीजिए, वैसे पुष्य नक्षत्र में ही करा जाता है, तो जाना है केले की जड़ लाने, केले की जड़ का जो रस है उसको आपने काली हल्दी को घिस लेना है, उसमें मिलाना है, साथ ही आंवले का भी रस मिला लीजिएगा। अब इन दोनों तीनों में गोरोचन मिला लीजिए। गोरोचन मिलाने के बाद अपनी अनामिका उंगली से मस्तक पे लगाते हुए ये बोलना है ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, या फिर दूसरा मंत्र भी बोल लीजिए, ओम बस में कुरु कुरु स्वाहा, ओम बस में कुरु कुरु स्वाहा, सर्व जन वश में कुरु कुरु स्वाहा, ये भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या है कि आप किसी से भी बातचीत करेंगे, मस्तक के आईब्रो के बीचों बीच यहाँ लगाइएगा, इससे क्या किसी से भी बात करेंगे, एक तो आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, सामने वाले के जो बात करेंगे तो उसके सामने आपका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा, और वशीकरण इस तरीके का तिलक आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। ये अगर दुकानदार लगाएं बहुत ज़्यादा उत्तम है, ये वो व्यक्ति लगाएं जो ज़्यादातर लोगों का काउंसलिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। कथावाचक और ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले वो लोग हैं, और बाकी भी आम लोग भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके का तिलक लगाइए जो आपके लिए लाभकारी भी रहे। कल एक नए विषय के साथ, मैं नए उपाय के साथ, मैं कब मुलाकात करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। जय महादेव।